Welcome to the third episode of Career Conversation. Today we are going to discuss a very serious issue. Abhilash sir, ये दो डिग्री कई लोग लेने की इच्छा रखते हैं. Yes, yes. और हमारे पवित्र प्लेटफॉर्म YouTube पर कुछ यूट्यूबर्स ने 2018-19-20 के दौरान अपने वीडियो में ये दावा किया है कि आप आराम से दो डिग्री लीजिए. और अभी हम देख रहे हैं कि UGC ने 13 अप्रैल 2022 को नोटिफिकेशन निकाला है कि आप अब से दो डिग्री ले सकते हैं. तो मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि जिन लोगों ने, जिन महापुरुषों ने इससे पहले दो डिग्री ले रखी है, क्या वो मान्य होंगी और वो क्या करेंगी? देखिए अमान, थैंक यू फॉर रेजिंग दिस टॉपिक इन द थर्ड एपिसोड ऑफ करियर कॉन्वर्सेशन. देखिए, दो डिग्री वाला मैटर बहुत सेंसिटिव है. देखिए, जिस बात को जितना आपने लाइटली उठाया है, लिटरली मैं आपको बताऊं, ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास तीन तीन चार चार दिन से मेरे हैंडलर के पास वेटिंग रही है मेरे से उन मसले पर बात करने पर. क्योंकि जिन लोगों ने इस तरह से गलत डिग्री ले ली है, उनकी पूरी करियर बात बन जाती है. और 90% लोगों को पता भी नहीं चलता है कि उन्होंने कुछ गलत कर रखा है, क्योंकि वो सक्सेसफुल ही नहीं है. एक रिक्शे वाला 100 डिग्री लेके रखा हो, सरकार कुछ पड़ी 80 डिग्री वापस लेने की, 100 नहीं 1000 ले लो, घूमते रहो रिक्शे वाले, चलाते रहो रिक्शा, खींचो. लेकिन एक आदमी गवर्नमेंट जॉब में है, इमेजिन करो, और उसने सिर्फ दो डिग्री गलत तरीके से ले रखी है, और उसके खिलाफ उसका पड़ोसी, उसका रिलेटिव, उसका फ्रेंड, और कल को कुछ वाइफ से इश्यू हो जाए, उसकी वाइफ ही या उसके ससुर है. हाँ, लिटरली बता रहा हूँ, फैमिलीज में ऐसे हुए हैं, लोग मेरे पास आए हैं, कोई कंप्लेन करते हैं रिटर्न में. आप मेरे को बताइए, उसकी गवर्नमेंट जॉब की एलिजिबिलिटी चैलेंज हो गई? मुझे लगता है कि जॉब पे नौबत आ जाएगी, जॉब पर बात आ जाएगी. और ऐसे बहुत से लोग हैं. तो आपका जो पहला प्रश्न था कि सर, शुरुआत में बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पर डाल रखा है, सारी चीजें कर रखी हैं. देखिए, उन लोगों ने किस बेसिस पर कर रखा है, क्या कर रखा है, मुझे नहीं पता. और गलती उनकी नहीं है, गलती उन मिलियन लोगों की जो जाके देख रहे हैं. पता है, ये लोगों को बड़ा ही आश्चर्य होता है, अच्छा, 1 मिलियन पीपल हैव बीन फूल्ड. यस, इवन मिलियंस कैन बी फूल्ड. ठीक है, इवन मिलियंस कैन बी फूल्ड, ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. तो वो लोग क्या करते थे, गूगल पे सर्च करते थे. ऐसे लोग, जिन लोगों ने इस तरह की वीडियोस बना रखे हैं, क्या एक साथ दो डिग्री कर सकते हैं, तो गूगल आपको टॉप में सर्च देगा कि हाँ, कर सकते हो. ऐसे तो गूगल पे आप ये भी सर्च कर सकते हो, व्हाट इज द राइट एज टू मैरी इन इंडिया, वो लिख देगा 21 साल. अब आप देख लो कितने लोग ऐसे हैं जो 21 साल पर शादी कर रखे हैं. और आप देख लो समाज में लोग कितने साल पर शादी कर रहे हैं, कोई 18 पर भी कर रहा है, कोई 30 पर भी कह रहा है, सक्सेसफुल हो जाएंगे तब करेंगे. तो ये बहुत डायनामिक्स की बात है. ठीक है, कोई डिफाइंड बात नहीं है कि 21 पे ही करना, लेकिन आप गूगल पे सर्च करो, गूगल वो भी बता देगा. क्योंकि गूगल तो क्या करता है कि जो बेस्ट पॉसिबल कंटेंट इंटरनेट पे अवेलेबल है, सर्च रिजल्ट के हिसाब से ऊपर दिखा देता है. उसको तो कोई जवाब देना ही है. हाँ, उसको कोई जवाब देना ही है. गूगल को नहीं पता कि शांत भी रह सकते हैं इंसानों की तरह. नहीं तो यहाँ पर बात यह है कि जब लोग YouTube पर इस तरह से बना रहे हैं, जो लोग पुराने वीडियोस हैं, आप लिटरली जाके देख लीजिए. उस समय आई वॉज द फर्स्ट वन, आई रिमेम्बर, जब मैंने पहली बार से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दिया कि आप नहीं कर सकते हैं, तो आप स्टूडेंट को लगता है ऐसे ही बहुत से लोग YouTube पे वीडियो चार गालियां आके मुझे दे गए. ठीक है, और आप सोचिए, उसका जवाब मैं नहीं, UGC ने दिया. 13 अप्रैल 2022 को UGC ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें कहा कि अब आप एक रेगुलर एक डिस्टेंस डिग्री ले सकते हो. तो पहला पॉइंट तो एकदम स्पष्ट हो गया कि अगर UGC 13 अप्रैल 2022 को ये नोटिफिकेशन दे रही है, तो उसके पहले अगर किसी ने किसी से कहा है कि कर सकते हो, एक साथ डिस्टेंस कर सकते हो, रेगुलर कर सकते हो, इसका मतलब वो गलत है. बिल्कुल, ये तो प्रूव हो गया ना, इसमें तो कोई दूसरा डिबेट है नहीं, ये तो UGC कह रही है. ठीक है, तो उससे पहले जो भी किन्हीं ने दो डिग्री ले रखा है वो नॉट वैलिड था. तो अब 13 अप्रैल 2022 के बाद से UGC नोटिफिकेशन दे दिया, तो अब आप उसको कर सकते हो. चलिए, स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी कि अब से वो कर सकते हैं, और जिन्होंने पहले की होगी उनकी तो मान्य नहीं होगी. देखिए, जो आपकी ये कंसर्न है कि सर, जिन्होंने पहले कर रखा उनका मान्य होगा कि नहीं होगा, देखिए, कभी भी पूरे वर्ल्ड में कोई भी लॉ जब लागू होता है, तो जिस डेट से लागू होता है उसके ऑनवर्ड्स वो वैलिड होता है. ठीक है, वो कभी भी उसके ऑनवर्ड्स वैलिड होता है. तो उसके पहले जितने लोगों ने कर रखा है वो एक तरह से गलत है, फ्रॉड की कैटेगरी में हो सकता है. कह सकते हैं, लेकिन फ्रॉड तो थोड़ा कई बार होगा कि आप जानबूझ के चीट कर रहे हैं किसी को. ठीक है, लेकिन वो गलत है. मेरे कहने का सेंस है कि वो लीगली वैलिड नहीं है. और लीगैलिटी का कभी भी इशू तभी आता है जब आप किसी अच्छे खासे जॉब में सेलेक्ट हो जाओगे, तब आपको इशू आएगा. पहला चीज. दूसरा चीज,
ये इशू तब तक आएगा भी नहीं जब तक कोई गवर्नमेंट के नोटिस में बात लाए ना। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट एक एक आदमी को चेक कर रहा है, 1 डिग्री रखा, 2 डिग्री रखा, 4 डिग्री रखा। कल को आप हो गए, कल को आप एक किसी के ने आपके खिलाफ रिटर्न में कंप्लेन दे दिया तो कार्रवाई होगी ही होगी, ठीक है। और होता क्या है कि ऐसे लोग जो देख रहे होंगे ऐसे लोग होते हैं कम, 90% लोग तो पहले तो रिटर्न क्वालिफाई करके जॉब में सेलेक्ट होना हो ना गवर्नमेंट वाले, तब चेकिंग होगी, तब ना चेकिंग होगी, तब तो बात उठेगी, एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे तब लगेज चेक होगा ना, तब लगेज चेक होगा। उससे पहले तो तुम बाहर से बोलते रहो कि 50,000 किलो का वेट लिया, तो जब अंदर पहुंचोगे तब पता चलेगा, ठीक है। तो ये चीज है। तो अब कोई स्टूडेंट अगर आपसे पूछे कि जो पुरानी उसकी जो 2-2 डिग्री है उनमें से एक को डिस्ट्रॉय करना चाहता है तो क्या तरीके हैं डिस्ट्रॉय करने के? देखिए व्हाट यू आर सेइंग इज कि आपने एक क्राइम कर लिया, हम उसको पश्चाताप करना चाहते हैं तो क्या करें? गंगा में डूब सकते हैं। देखिए ये तो जिस दिन वो लोग कर रहे थे ना उस दिन भी उनके दिमाग में क्वेश्चन मार्क था इस बात को लेकर, ऐसे लोग। लेकिन ऐसे लोग बस हमारे फलाना भैया ने और दीदी ने कहा कि एक रेगुलर एक डिस्टेंस कर लो तो उन्होंने कर लिया। तो देखिए अब आपने कुछ गलत किया है तो मैं इतना ही कहूंगा कि एकदम अपने तक बात को लिमिटेड रखिए, क्योंकि इस तरह की शिकायत करने वाले दुश्मन घर से ही पता होता है। बिल्कुल, जिन्हें अंदर की बात पता है, जिसको अंदर की बात पता है। मेरे से जब स्टूडेंट्स आते हैं बताते हैं कि सर मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरा 2 डिग्री, मैं प्रमोशन में नहीं लगा पा रहा हूँ, मेरे ससुर ने कंप्लेन कर दिया, ये कर दिया, ऐसे भी केसेस आए मेरे पास, तो हमें कुछ नहीं पड़ी, हम क्यों जाएंगे उसका पीछा करने, मेरे पास और काम है। बिल्कुल बिल्कुल, उसका विच हंटिंग करेगा कोई जानने वाला, तो बस उनसे आप एकदम लिमिटेड रखिए, और अपने परिवार में अपने इमीडिएट नेक्स्ट पर्सन से भी आप लिमिटेड रखिए अपने पास, ठीक है। दैट शुड नॉट बी ब्रॉट इन लाइट, ठीक है। अगर लाइट में आएगा तो फिर तो वहां वही होगा जो लीगल रूल चलाओ कर। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब उस 1 डिग्री को आप बॉटल में रोल करके अपने दिल की गहराई में फेंक दीजिए, जहां कोई ढूंढना पड़े, ढूंढना पड़े। अच्छा ये तो हो गई पहले की बात, अब ये बताइए कि यहाँ से अगर आगे कोई 2 डिग्री लेना चाहे तो वो ले सकता है, और अगर कोई एक साथ 2 कोर्सेज कर रहा है तो टाइम मैनेजमेंट और बैलेंस कैसे करेगा? देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो ये है कि क्या हम यहाँ से 2 डिग्री कर सकते हैं, देखिए इसमें भी अभी पूरी तरह से फुल स्टॉप नहीं है कि यस और फुल स्टॉप, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये यस और नो का दोनों कॉम्बिनेशन है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लूंगा, रिसेंटली गवर्नमेंट ने ये कहा कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होगा, CUET का एग्जाम होगा, और जो भी यूनिवर्सिटीज अपने स्टूडेंट का एडमिशन CUET से करना चाहें कर सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी के ऊपर था कि वो उस एग्जाम से पार्टिसिपेट करना चाहती है या नहीं करना चाहती है, ठीक है। सेम चीज UGC का है। UGC ने एक नोटिफिकेशन देके ये कह दिया है कि एज फार एज जो मान्यता कंसर्न, क्योंकि किसी भी डिग्री की मान्यता ना UGC देती है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, तो UGC ने ये कह दिया है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है लीगैलिटी को लेकर कि एक स्टूडेंट एक रेगुलर एक डिस्टेंस या 2 डिस्टेंस या एक रेगुलर, जैसे भी वो कॉम्बिनेशन बनाना चाहता है वो कर ले, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको पूरी मान्यता दे रहे हैं, हमारे साइड से कोई लीगल ग्लिच नहीं है, कोई इशू नहीं है। अब यहां पर एक क्वेश्चन और है, UGC ने कह दिया कि आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन ये कॉलेजेस के ऊपर है कि कॉलेजेस उसको वैलिड मानते हैं कि नहीं, कौन सी यूनिवर्सिटी आपको ये चीज करने दे रही है। UGC ने कह दिया हमें दिक्कत नहीं है, अब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बात करो, अगर आप 1 डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी से ले रहे हो, दूसरा डिस्टेंस का इग्नू से ले रहे हो, तो इन दोनों को आपस में कोई इश्यू नहीं होना चाहिए आपके 2 डिग्री लेने से। अगर इनमें से कोई भी एक कोर्स वाला आपत्ति जता रहा है तो आप नहीं कर सकते हो इन सेम टाइम फ्रेम। हाँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अच्छे खासे स्टूडेंट्स हैं जो बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd वगैरह प्रिपरेशन करते हैं LEVATs का, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का BEd का प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके देख लीजिए आज 2022 का, यूनिवर्सिटी साफ साफ लिखती है कि हम अलाउ नहीं करते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री ले रहा है तो साथ में कोई दूसरा डिग्री ले, हम अलाउ नहीं करते हैं इस चीज को, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो इसलिए ये करते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी ये समझती है कि अगर ये हमारे साथ कोई दूसरी डिग्री भी परसू कर रहे हैं तो इन्होंने हमारा जो कोर्स है वो ध्यान से नहीं किया, हाँ। लगता है वो आई ना। और इसमें इम्पोर्टेंट नोट करने वाली बात है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं, ऑलमोस्ट 40 लाख स्टूडेंट्स एनरोल्ड होंगे इग्नू में, ठीक है, वर्ल्ड के लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है, इसीलिए इग्नू को तो पीपल्स यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, ओपन यूनिवर्सिटी है और इंडिया की लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी है। मतलब ओपन यूनिवर्सिटी में कोई रोल बन रहा है समझ लीजिए इग्नू ही उसकी गंगोत्री है, फिर बाकी के सभी ओपन यूनिवर्सिटियां इग्नू के गाइडलाइन या इग्नू को ही कॉपी करके उस चीज को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए किसी स्टैंडर्ड या नॉर्म्स को दिल्ली यूनिवर्सिटी या JNU अगर सेट कर रहा है तो बाकी यूनिवर्सिटीज मोर और लेस उनके ट्रेंड को कॉपी करते हैं, ठीक है, एक कर सकते हैं, एक बहुत कॉमन पॉपुलर ओपिनियन या कोर्स हो,
तो उसी तरह इग्नू का डिस्टेंस के मामले में आप जुलाई 2022 का इग्नू का प्रोस्पेक्टस उठा के देख लीजिए, साइमल्टेनियस डिग्री के रिगार्डिंग इग्नू ने उस प्रोस्पेक्टस मेंशन कर रखा है और कोई ऐसा है कि सब कहां मेंशन कर रखा है, क्या कर रखा है। देखिए ये बहुत ही नालायक टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं भाई, अगर तुम्हें एडमिशन लेना है तुम जेन्युइनली 2 डिग्री करने जा रहे हो, तुम जाके इग्नू का प्रोस्पेक्टस ठीक से पढ़ो। वहां हेडिंग दे रखा है साइमल्टेनियस रजिस्ट्रेशन, मगर प्रोस्पेक्टस पढ़ने में थकान होती है सर, क्या करें? अरे भाई जिसको डिग्री लेना, इफ यू वांट टू मेक योर करियर, आपको थकान लेना पड़ेगा। आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करिए, साइमल्टेनियस रजिस्ट्रेशन सर्च करिए, उसमें आपको मिल जाएगा। इग्नू अभी भी लिख रहा है कि हम 6 महीने से ज्यादा कोर्स नहीं अलाउ करेंगे, तो सिर्फ 6 महीने तक कोई सर्टिफिकेट कोर्स आप ले सकते हो। तो अब यहां से ये है कि यूजीसी ने कह दिया कि हमको मान्यता को लेकर कोई दिक्कत नहीं, हम आपको पूरी मान्यता दे रहे हैं। अभी यूनिवर्सिटी के ऊपर क्या करना चाहती है, इन लेमैन लैंग्वेज कहें कि गवर्नमेंट ने ये अलाउ कर दिया कि बाइक पर अब 3 लोग बैठ के जा सकते हैं। अभी बाइकर देख ले बिल्कुल कि वो अपने बाइक पर 3 लोगों को बैठाना चाहता है कि नहीं बैठाना चाहता, या 2 ही पर लेके चलेगा वो। अब कोई बाइकर कहते नहीं भाई 3 नहीं बैठाएंगे, रिस्की है, अपने विवेक पे उसके, अब अपने विवेक पर है, ठीक है। और खास करके अब आप कह रहे हो मुझे 2 बाइक पर पैर रखना है, तो दोनों बाइक बराबर से पैर रख के चलना है, सिंघम बनना है। तो अब भाई दोनों बाइकर्स के बीच में ज्यादा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है। तो बस यूजीसी ने इस पे क्लैरिटी दी, तो ओवरऑल 2 डिग्री को लेकर यही है पूरा, मतलब ये कि यानी कि यूजीसी ने बोल दिया है तो स्टूडेंट रल्ले से करे, पहले चेक कर ले कि यूनिवर्सिटी भी कंफर्टेबल है। हाँ। और बहुत से स्टूडेंट्स को ये है कि सर पता कैसे चलेगा, भाई या तुम डिग्री लेने जा रहे हो यार, अपना करियर बनाना है, बेवकूफी वाली बात करके गूगल इंटरनेट यूट्यूब पे मत सर्च करो, और इस वीडियो में आके भी बहुत से लोग आएंगे कमेंट करके सर कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, भाई इससे बचिए। हाँ लिटरली बता रहा हूँ, अगर आप अपने डिग्री को लेकर सीरियस हो ना, इफ यू वांट टू मेक अ करियर, डोंट जस्ट ठीक है कुछ करना है, आप जाइए अपनी यूनिवर्सिटी के हेड ऑफिस बोलिए कि हम ये कोर्स कर रहे हैं, क्या इसके साथ मैं फलाई यूनिवर्सिटी से दूसरा कोर्स कर सकता हूँ। और मैं कह रहा हूँ कि वहां पर एक क्लर्क बैठा होगा जो आपको नहीं बता पाएगा, आप उससे बोलो कि हायर अथॉरिटी से रजिस्ट्रार से बात करिए, और उसको यूजीसी को नोटिफिकेशन दिखाओ, पूछो प्रोस्पेक्टस क्या कह रहा है, और इसके लिए जहमत उठानी पड़ेगी। और जिंदगी में कुछ भी बड़ा करना हो, अच्छा करना हो, हर जगह जहमत उठानी पड़ेगी, कोई भी बेड आपके मुंह में लाके नहीं रखेगा। तो जाके पता करें, दोनों यूनिवर्सिटी में चेक करें, और अगर अलाउ करता है तो सो फार सो गुड, अदरवाइज बेटर टू बी सेफ कि आप इस तरह काम ना करें, या फिर 1-2 साल और रुक जाए, सो दैट उस पर और स्पष्टता आ जाए यूनिवर्सिटीज और यूजीसी के बीच में। क्योंकि ऐसा नहीं है कि यूजीसी ने रात में कोई गाइडलाइन दिया तो कल सुबह सभी यूनिवर्सिटीज लागू कर देंगे, गाइडलाइन आ गया, एक पेपर था, छप गया, हाँ बस हो गया, ठीक है। यूनिवर्सिटीज को भी इम्प्लीमेंट करने में समय लगता है, तो कुछ दिन बात करना ठीक रहेगा। तो इससे पहले कोई ये सवाल थोड़ा सा स्टूपिड भी हो सकता है, कमेंट में पूछे, मैं ही पूछ लेता हूँ। हाँ, जैसे कोई दिल्ली बाइट से प्रिपरेशन करके बीएड का एग्जाम दे रहा है, हाँ ठीक है, तो वो साथ में बीकॉम भी कर सकता है? नहीं, ये डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हो, अगर ये कमेंट में आने वाला है। देखिए अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहे हो ना, तो अलाउ नहीं करती है, सिंपल सी बात है। यूजीसी भले ही करते, यूनिवर्सिटी नहीं कर रही है, यूनिवर्सिटी नहीं अलाउ करती है, ठीक है। पुलिस ने कह दिया कि आप गाड़ी पे 3 बाइक पे 3 लोग बैठ के जा सकते हो, भाई मैं नहीं बैठा रहा अपने बाइक पर, मैं नहीं बैठा रहा, मैं भी नहीं, मैटर ये सिंपल सी बात है। अब तुम भाई तो तुम 2 बाइक पे सवारी करो, तुम जाके दोनों बाइकर से पूछ लो कि तुम बराबर पहले चलोगे कि नहीं चलोगे, चलोगे नहीं चलोगे, तब बैठो। कानून को कोई दिक्कत नहीं, पुलिस ने कह दिया तो चालान नहीं काटेंगे इस बात पर, तुम जाओ तुम देख लो कैसे करना चाहते हो, जिंदगी में तो हर जगह कटेगा। तो थैंक यू सर, आपने समझा दिया इसका जो लीगल एस्पेक्ट है 2 डिग्रीज का। एक्चुअली स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो अपने करियर के इम्पोर्टेंट डिसीजंस भी खुद ना ले, खुद एडवर्टीजमेंट पढ़ के ना ले, और कहीं से सुन के या किसी की सुनी सुनाई बात से वो किसी डिसीजन पर इजीली पहुंच जाए, जिसका खामियाजा ने बाद में बहुत ज्यादा। एक्चुअली दे डोंट वांट टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी ऑन देमसेल्फ कि ये चीज मैंने पढ़ा और यहाँ मेरे से गलती हो गई, वो चाहते हैं कि दूसरा बताते, दूसरे ने कहा इसलिए हमने ऐसा कर दिया, सो दैट कल को कोई फेल्यूर आए तो उस फेल्यूर का चेक जो दूसरे के नाम पर पड़ सके, जी भाई उन्होंने ऐसा कहा था, उन्होंने ऐसा बताया था, हमको वहां से मिला, भाई तुम क्या कर रहे थे, तुमने क्या पढ़ा, तुम क्या यूनिवर्सिटी गए, तुमने क्या अपने लेवल पर जांच किया। तो आप क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन अप नहीं करना चाहते हो, और इसीलिए मेजोरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स होती है लाइफ में, करियर में, जॉब में, कहीं भी ये चीज है। बिल्कुल। और एक और थैंक यू ये बताने के लिए स्टूडेंट्स को कि जब कॉलेज में पता करने जाना है तो क्लर्क से नहीं जाके रजिस्ट्रार से मिलना है। मिलना, यस यस यस, ये भी बहुत अंदर की बात है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। अब होता क्या है, वो खिड़की पे गए, कोई बैठा हुआ था, किसी ने हाथ कर दिया, किसी ने नहीं कर दिया, चले आए उठा के,
अरे जाइए बात कीजिए, यस रिटर्न एप्लीकेशन दो भाई, आई वांट टू टॉक टू द हेड अथॉरिटी ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, और अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो क्या आप रिटर्न में दे सकते हो मुझे, या आप नहीं कर सकते हो, क्या मैं अलाउ नहीं कर रहा, या क्या कहीं कोई रिटर्न गाइडलाइन है जो आप दिखा सकते हो, आप जाके बात करिए तब जाके आप, और ये एक अप्रोच डेवलप करता है स्टूडेंट में कभी भी लाइफ में कुछ अच्छा और प्रोडक्टिव करने के लिए। बिल्कुल साडा हक एथे रख। सो दिस वॉज द थर्ड एपिसोड ऑफ करियर कॉन्वर्सेशंस, वील बी बैक विद अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक, अनदर इम्पोर्टेंट इशू इन द फोर्थ एपिसोड। थैंक यू।